हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक और नया टॉपिक। आज हम कवर करने वाले हैं नवंबर 2020 के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार व सम्मान से टॉप 25 एमसीक्यू का एक सेट पेपर। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आज मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की डिटेल को भी कवर कराऊंगा। और यदि आप जनवरी से अक्टूबर 2020 तक के सभी अवार्ड को देखना चाहते हैं, तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमने जनवरी से अक्टूबर 2020 के सभी अवार्ड को कवर किया है। लगभग ये 150 क्वेश्चन का एक एमसीक्यू सेट पेपर है। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, किसने फिक्शन के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है दोस्तों इसका डगलस स्टुअर्ट। याद रखिएगा, डगलस स्टुअर्ट ने कथा साहित्य के लिए साल 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है। ये स्कॉटलैंड के हैं। कहाँ के? स्कॉटलैंड के। और इन्हें उपन्यास जिसका नाम है सगी वेन, इनके उपन्यास सगी वेन के लिए सम्मानित किया गया है। किसे बातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को। दोस्तों, लंदन में बातायन यूके संगठन द्वारा दिया जाने वाला ये बातायन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कवियों, लेखकों, कलाकारों को उनके संबंधित क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। याद रखिएगा, हमारे शिक्षा मंत्री ने कई पुस्तकों को लिखा है, इसलिए इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसे आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है इसका जाने माने अभिनेता नसरुद्दीन शाह। दोस्तों, नसरुद्दीन शाह को ये पुरस्कार सिनेमा जगत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। याद रखिएगा, इस अवार्ड का नाम है कला शिखर। और साथ ही साथ याद रखिएगा, नील चौधरी एवं इरावती कर्णिका को आदित्य विक्रम बिरला कला किरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों जानी मानी सुप्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति को, यानी कि ऑप्शन सी। इन्हें परोपकारी कार्यों में उत्कृष्टता के लिए ये 21वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि 2020 से सम्मानित किया गया? सही आंसर है इसरो के अध्यक्ष के शिवान को। याद रखिएगा, कर्नाटक के राज्यपाल बजू भाई बाला ने इसरो के अध्यक्ष के शिवान को डॉक्टर ऑफ साइंस मानद की उपाधि प्रदान की है। ये उपाधि विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने उन्हें दी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है इसका पीलीभीत टाइगर रिजर्व। याद रखिएगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों उपर्युक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी विराट कोहली, और अनुभवी ऑफ स्पिनर अश्विन यानी कि रविचंद्र अश्विन को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किस राज्य को अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्यों के बीच सर्वश्रेष्ठ राज्य, याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नामित किया गया? राइट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया, जबकि उड़ीसा को तटीय राज्य का पहला स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला ये चुना गया है आंध्र प्रदेश का कृष्णा जिला। 48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज 2020 का अवार्ड किस भारतीय वेब सीरीज ने जीता है? सही आंसर है दोस्तों इसका डेली क्राइम, यानी कि ऑप्शन बी। सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा किसे दिया गया? सही आंसर इसका केरल। दोस्तों याद रखिएगा, पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जारी एक सूची में केरल को देश का सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश को सबसे नीचे रखा गया है। ये सूची एक गैर लाभकारी संगठन जिसका नाम है पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जारी की गई।
किस भारतीय क्रिकेटर को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका KL राहुल, यानी कि ऑप्शन सी। भारतीय क्रिकेटर KL राहुल को कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ याद रखिएगा, भारतीय महिला क्रिकेटर जिनका नाम है बेदा कृष्णमूर्ति को भी एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका गली बॉय, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा गली बॉय का निर्देशन किया है जोया अख्तर ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता? राइट आंसर है इसका ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन, यानी कि ऑप्शन ए। COVID-19 महामारी के बीच जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन सुदूर समुदाय तक सौर ऊर्जा लाने के लिए पर्यटन एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला ये दुनिया का पहला संगठन है। किसे डॉक्टर तुलसीदास चुघ अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? सही आंसर इसका डॉक्टर सतीश मिश्रा। याद रखिएगा उन्हें मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर उनके शोध कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। किसे JC डेनियल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? सही आंसर इसका हरी हरन। याद रखिएगा JC डेनियल पुरस्कार, जो कि मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाने वाला राज्य सरकार का सर्वोच्च सम्मान है। थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को किस देश ने सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका नेपाल। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को सेना की मानद जनरल पद से सम्मानित किया है। किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका रस्किन बॉन्ड, प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड। इन्हें यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान एवं उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया। रस्किन बॉन्ड पद्मश्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित हैं। किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? राइट आंसर है इसका तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन सी। उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू द्वारा साल 2019 के राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। दूसरे स्थान पर रहा महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है राजस्थान। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी शॉर्ट फिल्म ऑस्कर नामांकन की रेस में शामिल हुई? राइट आंसर है नटखट। दोस्तों ये मूवी विद्या बालन द्वारा अभिनीत है, यानी कि इसमें एक्ट्रेस का काम किया है विद्या बालन ने, और इसके डायरेक्टर का नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसके डायरेक्टर हैं शान ब्यास। जल संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 जीतने वाले जिलों में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों कडप्पा, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा ये जिला आंध्र प्रदेश में स्थित है। किसने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 जीता है? सही आंसर इसका सआदत रहमान, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा ये बांग्लादेश के हैं, और इन्हें यह पुरस्कार साइबर बाल अपराधों को रोकने के लिए दिया गया है। रूस की किस इमारत ने एम्पोरिस स्काई स्क्रैपर अवार्ड 2020 जीता? राइट आंसर इसका लखता सेंटर, ये रूस के साथ साथ यूरोप में सबसे ऊंची इमारत है। किस धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका श्री माता वैष्णो देवी मंदिर। दोस्तों ये मंदिर जम्मू के कटरा में स्थित है। किसे प्रोफेसर AN भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है इसका डॉक्टर सुसंता कर, यानी कि ऑप्शन ए। इन्हें यह पुरस्कार लीस मेनिया डोनोवानी की जीवन रक्षा पद्धति को परिभाषित करने के लिए उनके योगदान के लिए दिया गया है। किस अभिनेत्री को भारत रत्न अवार्ड भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका अभिनेत्री ऋचा चड्ढा, यानी कि ऑप्शन बी। ये अवार्ड उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दिया गया है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।